वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं आपको बताने वाला हूं दुबई के हाई सैलरी जॉब के बारे में। हाई सैलरी जॉब जो अब तक लोग काम कर रहे हैं, जो उन्हें सैलरी मिल रही है, उस सैलरी के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि क्या वास्तव में आप किस जॉब में किस तरीके से आपको सैलरी मिलती है। यदि ये सैलरी की मैं बात करूँ तो इसमें लाख के नीचे की कोई बात ही नहीं, अगर लाखों रुपए की ऊपर की सैलरी कि मैं बात करूंगा। और ये कौन से ऐसे जॉब है, कौन सा ऐसा पोस्ट है और क्या होता है, किस तरीके का काम होता है, किस तरह का फील्ड है, तो दुबई की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से दुबई में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिस तरह से दुबई बहुत तेज गति से पूरी दुनिया में देखा जाए कि तेज गति से बढ़ा है, तो वहां पर लोगों की संख्या भी बढ़ी है। तो हर एक चीज को अगर देखा जाए तो अगर मैं सैलरी को भी देखूं तो वहां पर काफी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेडिकल जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ। मेडिकल के कुछ ऐसे जॉब हैं, अगर हर एक सुविधा बहुत अच्छी मिल रही है तो जाहिर सी बात है दुबई में आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी मिलती। तो अगर आपको 5500 दिरहम की सैलरी पे अगर मेडिकल में जाना है तो निश्चित रूप से दुबई आपके लिए बहुत ही बेहतर जगह हो सकता है। 5500 दिरहम का अर्थ जो हुआ, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 5500 दिरहम को इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाता है 1,19,699.91 रुपए आ जाते हैं। यानी 5500 दिरहम पर अगर आपको किसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखना कि हॉस्पिटल में किस पोस्ट के लिए ये आपको ये सैलरी मिलने वाली है। तो दुबई में अगर हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें आपको जो जॉब मिलेगा वह सभी हॉस्पिटल में ये सैलरी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं बात करूं कि क्या हर एक सैलरी हर एक हॉस्पिटल में ये मुझे जॉब मिल जाएगा, तो डियर स्टूडेंट हर एक हॉस्पिटल में आपको ये जॉब नहीं मिलेगा। कुछ ही हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल अच्छे हैं उन्हीं में जॉब मिलेगा। और आपको क्या होना चाहिए, अगर आपने डी फार्मा किया हुआ है यानी फार्मेसी से रिलेटेड है, फार्मेसी में आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर फार्मेसी में आपने बैचलर की डिग्री कोर्स किया हुआ है, तो आपको ये सैलरी मिल सकती है। दुबई में बात करें तो दुबई में कई ऐसे बाहर की हॉस्पिटल हैं, जैसे इंटरनेशनल हॉस्पिटल हैं, जिनकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, काफी अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पे एक बात और हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो भी ये हॉस्पिटल के लोग आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं वो आपको एकोमोडेशन नहीं देते, यानी रहने की सुविधा वो नहीं देंगे, आपको अपने रहने की और खाने की व्यवस्था खुद करनी होती है। ओवर टाइम पर डे आपको 2 से 3 घंटे पर डे मिलना ही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओवर टाइम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो दुबई में अगर मेडिकल के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो डी फार्मा कोर्स आपके लिए काफी बेहतर कोर्स साबित हो सकता है, बी फार्मा कोर्स आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। यहाँ जो मैं सैलरी की मैंने बात किया जो डिस्कशन किया, ये सैलरी जो है मिनिमम सैलरी की मैंने बात किया, ये सैलरी और भी बढ़ेगी, कम होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, कम ये सैलरी नहीं होगी। यानी 5500 दिरहम की अगर बात किया जाए तो 5500 दिरहम तो आपको मिलना ही मिलना है। इसमें और भी सारी चीजों को अगर हम जोड़ दें तो अगर ओटी वगैरह को जोड़ दें, फिर एक महीने का सैलरी कैलकुलेट करें तो शायद ये सैलरी और भी अधिक हो जाती है। तो आई होप कि ये जानकारी, ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।